आज हम एक नया प्रोडक्ट देखेंगे, बेरर मेडिकल का जर्मन मेक नेबुलाइजर। इसका मॉडल है IH18। बड़ा कॉम्पैक्ट बनाया है। लास्ट टाइम हमने पिछले वीडियो में देखा था, थोड़ा बड़ा था, जिसमें आगे बॉक्स भी था जिसमें आप एक्सेसरीज रख सकते हैं। इसमें बॉक्स नहीं है। ये इसकी MRP है 2380 और ये 5 साल की वारंटी के साथ आता है। इसको अभी हम खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या निकलेगा। इसमें ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं, लिटरेचर है इसका साथ में। ये इसका नेबुलाइजर किट है साथ में, चैम्बर ट्यूबिंग वगैरह एक्सेसरीज फिल्टर्स, और ये नेबुलाइजर है। नेबुलाइजर अच्छा है, हैवी ड्यूटी, आप पकड़ेंगे हाथ में तो पता लगता है वेट है मशीन का। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। इस साइड में इसमें चैम्बर पार्किंग के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे इसका एयर इनलेट फिल्टर लगता है, इसको ऐसे पकड़ के आप निकाल सकते हैं, और ये आप वॉश करके भी लगा सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ एक्स्ट्रा 4-5 फिल्टर्स हैं, ये आप इजीली लगा सकते हैं। इसको चलाने के लिए इसमें पीछे लिखा हुआ है, इसका कॉन्टीन्यूस रनिंग है 20 मिनट्स ऑन 40 मिनट्स ऑफ। इसका मतलब है आप इसको 20 मिनट्स तक कॉन्टीन्यूसली चला सकते हैं और 40 मिनट्स तक जो है इसको ऑफ रखना है, फिर आपको रेस्ट देना है ताकि इसकी लाइफ अच्छी बनी रहे। 20 मिनट से ज़्यादा तो मेडिसिन ख़त्म होने में टाइम लगता नहीं है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम इसको 20 मिनट तक चला सकते हैं। 230 वोल्ट्स का है, 50 हर्ट्स है और 1 एम्पियर इसका रेटिंग है। मॉडल ये IH18 है। इसको हम इसके साथ एक्सेसरीज देखते हैं क्या क्या है। इसमें एक्सेसरीज में आपको इसके साथ चैम्बर है, मास्क है एडल्ट और पेडियाट्रिक, और इसको सप्लाई ट्यूबिंग है। इसके साथ में ये ट्यूबिंग है जो हम इसकी आउटपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सामने इसका आउटपुट दिया गया है, आउटपुट पे ये ट्यूबिंग का एक एंड, दोनों एंड एक जैसे हैं, कोई भी एंड आप नेबुलाइजर मशीन में लगा सकते हैं। ये इसके साथ चैम्बर है, ये इसके साथ माउथपीस है, और इसके साथ ये पेडियाट्रिक मास्क और एडल्ट मास्क दिया गया है। इसको चलाने के लिए इसके पावर कॉर्ड को खोलेंगे। इसको प्लग इन कीजिए और इसको कनेक्ट करने के लिए, इसमें मेडिसिन डालने के लिए आप मेडिसिन इसके ऊपर से भी डाल सकते हैं और इसको ओपन करके भी डाल सकते हैं। इसमें ये बैफल रहता है, इसको बैफल बोलते हैं। ये हर नेबुलाइजर किट में ऐसा पार्ट होता है अंदर एक, इसका ध्यान रखना होता है, अगर ये गिर जाएगा तो इसके फ्यूम्स नहीं बनेंगे। तो इसको हम लगा के इसमें मेडिसिन डाल के इसको अच्छे से बंद करना है। ये क्लॉकवाइज बंद होगा और एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। एंटी क्लॉकवाइज भी हाफ टर्न ही देना है, हाफ टर्न देंगे ये खुल जाएगा। ऐसे ही अपनी सीट पे बिठा के हाफ टर्न क्लॉकवाइज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा।
नीचे से घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा और क्लॉकवाइज बंद होगा। मेडिसिन आप इसके ऊपर से भी डाल सकते हैं। मेडिसिन डाल के इसको, इस ट्यूबिंग को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है चैम्बर के नीचे। चैम्बर के नीचे कनेक्ट करके अब आपको ऑप्शन देखना है, आपको इसको कैसे यूज़ करना है। माउथ पीस से यूज़ कर सकते हैं इसको, मुंह में डाल के बच्चों को देना है तो ये पेडियाट्रिक मास्क लगा सकते हैं, इसको पहन सकते हैं ऐसे, ये इलास्टिक खींच के आप सर पे पहन के रख सकते हैं या ऐसे पकड़ के भी रख सकते हैं। एडल्ट मास्क लगाना है तो एडल्ट मास्क लगा लीजिए। एडल्ट और पेडियाट्रिक नेबुलाइजर में कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ मास्क का डिफरेंस होता है। मास्क छोटा बड़ा होता है, चैम्बर सेम होता है, मशीन सेम होती है, ट्यूबिंग सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ वही होता है, मास्क का डिफरेंस है। इसको ऑन करके देखेंगे, साउंड भी इसका बहुत कम है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत अच्छी मशीन है। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। इसके स्विच के ऊपर भी एक कवर दिया गया है ताकि डस्ट ना जाए इसके अंदर। और इसमें एक पार्किंग चैम्बर, पार्किंग पॉइंट भी दिया गया है, जैसे मेडिसिन डाल के आप इसको पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेडिसिन इसमें डाला है तो ये वो नहीं हो, गिरेगा नहीं। इसके साथ हमें ये 5 फिल्टर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसा शुरू में दिखाया था फ़िल्टर, इसके एयर इनलेट फिल्टर यहाँ पे हैं। ये निकाल के हम इसको चेंज कर सकते हैं, वॉश करके लगा सकते हैं, ड्राई करके लगाना है, गीला नहीं लगाना है, वॉश करके हम इसको लगा सकते हैं, वापस इंसर्ट करना है। 5 फिल्टर्स ये एक्स्ट्रा इसके साथ मिलते हैं। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, मॉडल IH18 है, डायमेंशंस इसकी 160x155x84 mm है, वेट इसका 1.3 kg है। इसका चैम्बर का फिल वॉल्यूम मिनिमम 2 ml से लेके 8 ml तक हम इसमें फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट इसका 8 ml है। मेडिसिन फ्लो जो है इसका 0.4 ml/min है। और एरोसोल प्रॉपर्टीज़ जो है इसका, फ्लो जो है इसका, आउटपुट फ्लो जो है 5.31 L/min है। एरोसोल डिलीवरी रेट 0.082 ml/min है। और इसको ध्यान रखना है, एक जब हम इसको यूज़ कर लेंगे, यूज़ करने के बाद में चैम्बर डिस्कनेक्ट करना है ट्यूबिंग से, मास्क डिस्कनेक्ट करना है, और इसको ओपन करके इसको फ्रेश रनिंग वाटर से वॉश करके रखना है। ऐसे यूज़ करके, मेडिसिन डाल के इसको यूज़ करके ऐसे ही एज इट इज़ नहीं रखना है। इसको ऐसे रखेंगे आप तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसमें यहाँ पे एक बहुत बारीक सा होल होता है, ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया तो आपको फ्यूम्स नहीं आएंगे इस चैम्बर से। तो इसको हमेशा यूज़ करने के बाद साफ़ पानी से वॉश करके इसको रखना है। और इसका ध्यान रखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, फिर बोलते हैं फ्यूम्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका बैफल का ध्यान ज़रूर रखना है। थैंक यू।